एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश राजपूत। अगर आप राजमा चावल खाने के शौकीन हैं और अगर आपने राकेश जी के राजमा चावल नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया। आपको हम बता दें कि अभी मैं मौजूद हूं गांधीनगर रेडी जोन में और ये रेडी जोन जो है वो लास्ट मोड़ में, और यहाँ पर एक फेमस जो इंसान है वो है राकेश जी, जो कि काफ़ी देर से यहाँ पर जो है राजमा चावल लगाते हैं और पत्तल में खास करके अगर बात की जाए पत्तल में जो है वो राजमा चावल जो है वो सेल करते हैं। इनसे हम बात करें सर, राकेश जी इन्ने फेमस हो गए तुस, पहले ये सुनाओ मी कि और कितने दुकान खोलने का इरादा है? देखो बड़े भैया, सबसे बड़ा शुक्रिया पहले आपका जो इस प्यार से मेरे पास आप आए हो। सर माता रानी की कृपा रही, माता रानी हाथ रखा तो कुछ और सो और सकता है। देखो अभी देखो दाल फुलका इस पर इतना अच्छा चल रहा है, आप जैसे भाई का इतना प्यार चल रहा है, और इससे बड़ी बात क्या है बोलो। कब से शुरू किया आपने? सर एक हमारा काम तो बहुत पुराना काम है, 42 साल पुराना काम। मेरे फादर साहब लगाते थे पहले, मुझे काम करते थोड़ी देर मुझे भी हो गया 29 साल मुझे हो गया काम करते। ये ऐसा क्या डालते हो कि लोग आपके पास ही आते हैं? कुछ नहीं बड़े भैया, आपका प्यार है, गाँव का स्वाद है। एक बात बड़ी बात है, यू एंड थ्रो मैं डिस्पोजल में देते हैं हम खाने का, गाँव को मजा है, गाँव इधर प्यार से आता है, इससे बड़ी बात क्या है। राकेश जी क्या क्या वैरायटीज जो है आपके पास मिलती है, क्या क्या मिलता है खाने के लिए आपके पास? हाँ जी, क्या क्या मिलता है आपके पास खाने? सर मेरे पास छोले समोसे है, छोले भटूरे है, राजमा चावल है और तरी में भीगा कुलचा है बस। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ तो डालते होंगे ना, कितने बजे क्या टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 10 बजे आते हैं, सब स्टार्ट करते हैं, 3 बजे क्लोज हो जाता है। हाँ जी, 3 बजे के बाद क्या मिलता है? फिर 4 बजे लगाएंगे चांपुर कलाड़ी कुलचा। हाँ जी, मतलब वो लास्ट टाइम कितने बजे तक मिलता है? एक कलाड़ी कुलचा 9:30 के बड़े भाई। राकेश जी अभी है आगे कुछ मतलब सोचा आगे की मतलब दुकान को बड़ा करना या फिर कहीं और खोलना? फिलहाल तो माता रानी कृपा रही, अब तो यही है अभी, देखो कृपा माता रानी रखी तो आगे देखो। फेमस राकेश जी आप हो चुके हैं, बच्चा जाता है, बाहर के लोग भी आकर आपके राजमा चावल जरूर खाते हैं। शुक्र है माता रानी का, जो माता रानी हमें मौका दिया काम करने का, इससे बड़ी बात क्या है। यहाँ पर राकेश जी कितनी देर होगी आपको लगाते? 77 साल हो गए सर, 2016 को हमारा भैया हमें GMC ने वहाँ पे शिफ्ट किया हमें, हम 2016 को यहाँ पे लगा रहे हूँ। राकेश जी स्टाफ कितना आपके पास अभी काम करने के लिए? 2-3 ब्रदर हैं, ये 2 लड़के, 5 जने काम करते हैं, सबका घर चला है। सुबह कितने बजे उठते हैं, किस तरह से तैयारियाँ करते हैं? सुबह सामान घर पर वाइफ बनाती है, वाइफ बनाते सारे, हमने मतलब सारा कारनामा उनका है। उनका है बड़ी भैया, सब घर सामान सारा बन के उनके लिए आता है। मतलब किस तरह से मैनेज करते हो फिर यहाँ पर, जैसे रश भी होता है? रश नहीं, आपका प्यार है, गाँव खा रहा है, गाँव को दे रहे हैं, बस ये बात है। जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ उनका, आपके चैनल से मैं इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इनके चैनल में देखें, हमारे लाजमोर सिग्नल 2nd रेडी है, वहाँ पे आओ, राजमा चावल छोले भटूरे पनीर कुलचा इस रेडी पे मिलेगा। तो राकेश जी जैसे आपके पास बाहर से लोग आते हैं, ब्लॉगर्स खास तौर पे आते हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है कि मतलब आपकी वीडियो बनाकर वो लेके जाते हैं? देखो हमसे सबसे अच्छा लगता है, इतनी दूर से हमारे पास आते हैं तो उससे बड़ी बात क्या है, 100 रेडियो में हमारे पास आते हैं तो ये अच्छी बात ही है ना। तो बाकी गाँव को भी अच्छी चीज़ लगती है, हमारे पास चीज़ अच्छी देते हैं, गाँव आराम से हमारे पास खाने आता है बस। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैं भी आपके पास काफ़ी बार आया हूँ, आप मतलब काफ़ी प्यार से बात करते हैं, लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं? नहीं देखो, नहीं अच्छी तरह बात करो, गाँव तो पैसे देकर गाँव ने चीज़ खानी है, किसी को अच्छा नहीं करोगे कौन आएगा थोड़ा। मैंने ये भी सुना है कि इसके बाद पैसे नहीं हो आप उसको फ्री में, कोई बात नहीं बाद में दे दें, फ्री नहीं बाद में दे दें कोई बात नहीं, मतलब कोई भी अगर किसी के पास पैसे ना हो वो बाद में दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर राकेश जी के पास अगर आना है तो ये लास्ट मोड़ में इनकी रेडी जो है वो लगती है, लास्ट मोड़ में बिल्कुल सिग्नल के पास जो है इनका एक स्टॉल है जो कि लगता है, और यहाँ पर आपको खास तौर पर अगर बात की जाए पत्तल में जो है वो आपको राजमा चावल मिलते हैं। तो पत्तल ये इसमें पत्तल में प्लेट भी रख सकते थे पास? सुनो पहले प्लेट यूज़ करते थे हम, इवन थोड़ो मतलब एक प्लेट में दूसरा आदमी नहीं खाएगा। देखो हाँ जी हाँ जी, जो भी देखो खाने आता है हमारे पास, अच्छा गाँव भी आएगा, छोटा गाँव भी, बड़ा गाँव भी आएगा, ए लेवल है, जैसे आएगा आराम से खाएगा, जब डिस्पोजल खा के चला जाएगा। पनीर की बात की जाए तो पनीर आपका काफ़ी बड़ा साइज में होता है यहाँ पर, ये खाली प्यार है, लोग आते खाने के, बड़ा बड़ा कोई नहीं होता सर, ये खाली रखा हुआ गाँव को अच्छा लगता है बस। आगे बढ़िए, तो आपको हम बता दें कि ये थे राकेश जी जो कि जम्मू के अब जाने माने जो हैं, राजमा चावल इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, और अगर आपने भी यहाँ पर विजिट नहीं किया तो आप भी यहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा कि कौन कौन शख्स जो है वो राकेश जी के पास जो है राजमा चावल खाने के लिए आया बैठा है और कौन कौन आना चाहता है। तब तक के लिए बने रहे आप एटा न्यूज़ के साथ।